गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को, जिसका हम नॉमनक्लेचर, इंट्रोडक्शन एंड स्ट्रक्चर को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके, तो मैथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो थ्री टाइप्स के रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। दैट इज नंबर वन, reactions in which aldehyde and ketone both are formed. And number two is reactions in which only aldehyde is formed. Aldehydes are formed. And the number three is reactions in which only ketones are formed. Okay? तो यहाँ पे हम टोटल थ्री रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे, जहाँ पे नंबर वन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होंगी जिन रिएक्शंस की हेल्प से हम एल्डिहाइड एज वेल कीटोन दोनों का फॉर्मेशन कर सकें। नंबर टू इज दोज रिएक्शंस इन विच ओनली एंड ओनली एल्डिहाइड्स आर फॉर्म्ड। एंड नंबर थ्री इज दैट दोज रिएक्शंस इन विच ओनली एंड ओनली कीटोन्स आर फॉर्म्ड। सो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट वन रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन बाय विच एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ आर फॉर्म्ड। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं रिएक्शन नंबर वन, जहां पर आपके पास में एल्डिहाइड एंड कीटोन्स दोनों का फॉर्मेशन हम करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट वन, जिसमें हम फर्स्ट रिएक्शन जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। इफ वी डू ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल देन एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन कैन फॉर्म। बट ऑक्सीडेशन के लिए हमें क्या यूज करना होगा? ऑक्सीडेशन के लिए हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, जो कौन कौन से होंगे लिख देता हूँ यहाँ पर। यू कैन राइट हियर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच आर यूज फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल बाय विच एल्डिहाइड और कीटोन बोथ आर फॉर्म्ड। नंबर वन इज K2Cr2O7 पोटेशियम डाई क्रोमेट। नंबर टू, साथ में हम क्या ले सकते हैं? H2SO4। नंबर टू इज CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड विथ H2SO4, जिसे हम कहेंगे जॉन्स रीएजेंट। नंबर थ्री हम यूज कर सकते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 विथ मिथाइलिन क्लोराइड CH2Cl2। एंड नंबर फोर इज वी कैन यूज ऑल्सो PCC विथ CH2Cl2। PCC क्या होगा यहाँ पे? प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये सब के सब आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जिनको हम यूज करेंगे एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर एल्कोहल, ठीक है, जिससे हम फॉर्मेशन करेंगे एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन्स का। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल्स को। फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं CH3CH2OH। ये हमारे पास एल्कोहल है, बट एल्कोहल में हाइड्रोक्साइड ग्रुप जो है वो ओनली वन कार्बन, जो कि आपका sp3 हाइब्रिडाइज है, उस वो कार्बन आपका वन ग्रुप से अटैच है, मिथाइल ग्रुप से। इट मीन्स ये एल्कोहल आपका है 1 डिग्री एल्कोहल। If we oxidize 1 degree alcohol in the presence of K2Cr2O7 potassium dichromate plus H2SO4, तो यहाँ पे ये क्या बिहेव करेगा? एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स यहाँ पे आपका क्या होगा? एक हाइड्रोजन रिमूव होगा CH ग्रुप से और वन हाइड्रोजन रिमूव होगा फ्रॉम OH ग्रुप से। तो टोटल क्या हो गया यहाँ पे? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन विल टेक प्लेस एंड वॉट विल गेट? वी विल गेट CH3CHO means aldehyde. Okay, if oxidation of 1 degree alcohol is take place in the presence of oxidizing agent, then always aldehyde is formed. But same reaction से अगर हम यहाँ पे use कर रहे हैं बच्चों क्या? 2 degree alcohol. What we'll use? 2 degree alcohol in the presence of CrO3 and H2SO4. तो यहाँ पर हमारे पास में अल्कोहल 2 डिग्री है, तो यहाँ पे भी क्या होगा? ऑक्सीडेशन, बिकॉज वी आर यूजिंग हियर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से भी आपका हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, कीटोन फॉर्मेशन होगा। तो ये लर्न रखिएगा कि व्हेन एवर 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज देन वी विल गेट एल्डिहाइड एज ए प्रोडक्ट, एंड व्हेन एवर वी ऑक्सीडाइज 2 डिग्री अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ फर्दर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन वी विल गेट कीटोन एज ए प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये वो रिएक्शन हुई ना आपकी जहाँ से हम एल्डिहाइड एज वेल कीटोन दोनों का फॉर्मेशन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज द रिएक्शन बाय विच वी कैन गेट एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन एज ए प्रोडक्ट। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन हो गई आपकी, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे आपको दे रहे हैं, उन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा यहां पे हमने लिया है OH ग्रुप, क्या ले रहे हैं, PCC विथ मिथाइलिन क्लोराइड। हमें एरो पे जो सब्सटेंस गिवन है वो देख के पहचान में आ रहा है, आइडेंटिफाइबल है कि ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में यहाँ पे हम देख रहे हैं अल्कोहल, तो OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो ये है, और ये फर्दर 2 कार्बन से अटैच है, इसका मतलब ये 2 डिग्री अल्कोहल है। तो एक हाइड्रोजन आपका यहाँ से और सेकेंड हाइड्रोजन आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो रिमूवल ऑफ H2 कंसिडर्ड एज ऑक्सीडेशन, और हमारे पास क्या बन जाएगा, कीटोन। सिंपल है। ठीक है, अगर हम लेते हैं CH3OH और इसको हम ऑक्सीडाइज करवाते हैं K2Cr27 एंड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ये इसका क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज मीन्स एक हाइड्रोजन आपका रिमूव होगा CH ग्रुप से और एक हाइड्रोजन आपका OH से, तो हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, तो डिपेंड ये करता है कि आपके पास रिएक्टेंट के फॉर्म में 1 डिग्री अल्कोहल गिवन है कि 2 डिग्री अल्कोहल। इफ इट इज़ 1 डिग्री अल्कोहल देन ऑलवेज एल्डिहाइड इज फॉर्म्ड, इफ इट इज 2 डिग्री अल्कोहल देन ऑलवेज कीटोन इज फॉर्म्ड। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल बाय विच वी विल गेट एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट रिएक्शन, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, तो रिएक्शन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब यहाँ पर अपन रिएक्शन 2 जो है वो भी बहुत सिंपल है, यानी कि बी डी हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल, जो कौन सा होगा आपका, कैटालाइटिक। ठीक है, अब सिंपल सी बात अगेन आ गई कि यहां पर भी आप एल्कोहल को क्या कर रहे हैं, डीहाइड्रोजिनेट कर रहे हैं। इसका मीन ये हुआ कि अगेन हम इस रिएक्शन से H2 को रिमूव करने वाले हैं, हाइड्रोजन को, बट इस बार आपका डिहाइड्रोजिनेशन जो अल्कोहल का हो रहा है वो कैसा हो रहा है, कैटालाइटिक। यानी कि इस बार जो आपका रिएजेंट यहाँ पे रहेगा बच्चों, वो रहेगा कॉपर विथ 573 केल्विन टेम्परेचर, और ये हम हमारे प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि इफ़ वी हैव 1 डिग्री एल्कोहल एंड इट इज़ कैटालाइट हाइड्रोजिनेट डिहाइड्रोजिनेट विथ कॉपर एट 573 केल्विन टेम्परेचर, then what will get, one hydrogen from this CH group and one hydrogen from OH group, क्या हो जाएगा आपका, dehydrogenate, यानी कि H2 का removal, हमारे पास क्या बनेगा, CH3 C double bond OH, यानी कि aldehyde। If we have CH3 CH3 CH and OH 2 degree alcohol and it is dehydrogenate in the presence of copper at 573 Kelvin temperature, देन अगेन CH ग्रुप से एक हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा और OH ग्रुप से भी एक हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, वी विल गेट प्रोडक्ट कीटोन। ओके, तो दिस इज अबाउट डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एंड 573 केल्विन टेम्परेचर। तो इसे हम कहेंगे डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल, कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन, क्या कहेंगे, कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन। ओके, अब अगर आपको याद हो प्रीवियस चैप्टर में तो मैंने आपको ये कहा था कि अगर हमारे पास में अल्कोहल 3 डिग्री हो, याद है आपको, इफ वी हैव 3 डिग्री अल्कोहल और इसे कॉपर एंड 573 केल्विन टेम्परेचर के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं,
तो आपको याद होगा कि इसमें आपका डिहाइड्रोजनेशन नहीं होगा, यहाँ पे आपका एलिमिनेशन प्रोसेस हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और आपका एल्कीन बन जाएगा एज अ प्रोडक्ट। हम इस चीज़ को प्रीवियस चैप्टर में कर चुके हैं, आप चाहें तो वापस जाकर इसे देख सकते हैं। एल्कोहल फिनोल ईथर के हमारे डिहाइड्रेशन चैप्टर या ऑक्सीडेशन टॉपिक में ये आपको दिया गया था, ठीक है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट रिएक्शन नंबर टू। नाउ थर्ड रिएक्शन हम करने वाले हैं, वो देखिए कौन सी है आपकी। थर्ड रिएक्शन जो हम यहाँ पे कर रहे हैं सी, वो कर रहे हैं ओपेनियर ऑक्सीडेशन। ओपेनियर ऑक्सीडेशन, ओपेनियर ऑक्सीडेशन की बात की जाए तो ये बेसिकली आपको आरबीएससी के सिलेबस में मेंशन है, ठीक है। देखिएगा, ओपेनियर ऑक्सीडेशन की सबसे खास बात क्या होगी कि इसकी ऑक्सीडेशन जिस रिएजेंट के प्रेजेंस में होगी वो रिएजेंट आपका रहेगा एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, ये आपके पास में एल्यूमिनियम है, CH3 का होल थ्राइस सी, यानी कि 3 डिग्री हो गया, तो क्या बोलेंगे टर्सरी, क्या कहेंगे एल्यूमिनियम टर्सरी, ठीक है। टोटल कार्बन कितने हो गए 3 and 1 4, यानी कि ब्यूट। ऑक्सीजन है, क्या कहेंगे ब्यूटोक्साइड, ठीक है। तो दिस इज एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड। इस रिएजेंट की प्रेजेंस में ये ऑक्सीडेशन आपका कंप्लीट होता है। तो देखिए रिएक्शन क्या रहेगी आपके पास, CH3 का होल थ्राइस CO का भी होल थ्राइस एल्यूमिनियम, ये हो गया हमारे पास में एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड। रिएक्शन जिससे यहाँ पर होगी वो हम लेंगे 2 डिग्री अल्कोहल, क्या लेंगे 2 डिग्री अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। रिएक्शन जो करवाएंगे वो किससे करवाएंगे बच्चों, एसीटोन के साथ करवाएंगे, जो हमारे पास में एक्सेस अमाउंट में रहेगा। अब देखिए ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा। यहाँ पे आपके पास में क्या है 2 डिग्री अल्कोहल, ये इसे ऑक्सीडाइज करेगा। फर्दर ऑक्सीडाइज करने का मतलब हो गया कि यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन आपका रिमूव हो जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O यानी कीटोन। और जो H2 यहाँ से रिमूव हुआ है आपका, वो हो जाएगा इस पे एड HNH, यानी ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH3 CHOH। तो सिंपली कहें तो ये एक इंटर कन्वर्जन रिएक्शन हो गई, जिसमें 2 डिग्री अल्कोहल तो एसीटोन में कन्वर्ट हो गया और ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। यानी इसका फर्दर क्या हो गया आपका, ऑक्सीडेशन रिमूवल ऑफ H2 इज टेक प्लेस, और जो H2 आपने यहाँ से निकाला है वो इस पर ऐड हो गया है, ठीक है। यानी कि आपका क्या बन गया है, वापस से 2 डिग्री अल्कोहल बन गया है। इसका हुआ रिडक्शन और इसका हुआ ऑक्सीडेशन। अब आप ये समझ रहे होंगे कि जो रिएक्टेंट थे वही प्रोडक्ट बन गए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब रिएक्शन हुई क्या, लेकिन रिएक्शन तो हुई है। रिएक्शन में 2 डिग्री अल्कोहल तो किस में चेंज हुआ बच्चों, कीटोन में चेंज हुआ, जबकि एसीटोन जो है वो 2 डिग्री अल्कोहल में चेंज हुआ। यानी 1 मोल का हुआ है ऑक्सीडेशन एंड अनदर मोल का क्या हुआ है यहाँ पे, रिडक्शन हुआ है। इसे हम कहेंगे ओपेनियर ऑक्सीडेशन, जो आपका किसकी प्रेजेंस में होता है, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड की प्रेजेंस में ये कंप्लीट होता है, ठीक है। तो फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम फर्दर और रिएक्शन डिस्कस करेंगे जिनसे एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन का फॉर्मेशन होता है। हो गया, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसको। अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं उन रिएक्शंस को जिनसे एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन दोनों का फॉर्मेशन होता है। चलिए देखिए, नाउ रिएक्शन नंबर 4th जो हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपकी फ्रॉम कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका हमें ड्राई डिस्टिलेशन करना होता है, ठीक है। क्या ले रहे हैं हम ले रहे हैं कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को चूज कर रहे हैं। अब देखिए कैल्शियम सॉल्ट क्या होता है, CA, कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब O, C डबल बॉन्ड O, H।
यहाँ पे भी क्या ले रहे हैं, ओ सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है। एक तरह से ये हमारे पास में कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन है। अगर आप ये कहें कि सर इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, तो देखिए किस तरह से फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। हमें क्या लेना है, हमें लेना है कार्बोक्सिलिक एसिड एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, यानी कि फॉर्मिक एसिड हमारे पास में यहाँ पे है। इस फॉर्मिक एसिड की रिएक्शन हम करवाते हैं अगर सी ए सी एल टू के साथ, तो सी ए सी एल टू मतलब यहाँ पे सी ए सी एल टू हो गया आपके पास। रिएक्शन जो करवा रहे हैं बच्चों वो किससे करवा रहे हैं आप, फॉर्मिक एसिड के साथ करवा रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा सी ए सी एल टू के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे दो मोल यूज कर लिए फॉर्मिक एसिड के। एसिड की टेंडेंसी क्या होती है, एसिड की टेंडेंसी ऑलवेज होती है H प्लस आयन रिलीज करने की। तो यहाँ से आपका H प्लस आयन क्या हो गया रिलीज, यहाँ से भी फर्दर आपका H प्लस आयन क्या हो जाएगा रिलीज हो जाएगा, ठीक है। सी ए सी एल टू है तो वहाँ से आप सी एल एंड सी एल को ब्रेक कर लेंगे, तो सी एल पे चार्ज क्या होगा पार्शियल नेगेटिव नेगेटिव, और कैल्शियम पे पार्शियल पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। क्या निकल रहा है यहाँ से H प्लस एच प्लस, वहाँ से सी एल एंड सी एल नेगेटिव, तो टोटल क्या निकल जाएगा टू मोल ऑफ एच सी एल यहाँ से रिलीज हो जाएगा। एच सी एल निकलने के बाद क्या बचिए आपके पास, देखिए एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ नेगेटिव, एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ नेगेटिव, और इन दोनों ओ नेगेटिव से आपका कैल्शियम टू प्लस आयन क्या हो जाएगा ज्वाइन हो जाएगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आया, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए हमें रिएक्शन करवानी पड़ेगी कार्बोक्सिलिक एसिड एलवेज एज वेल कैल्शियम क्लोराइड के बीच, जिससे हमारे पास में कैल्शियम सॉल्ट बन जाएगा। मैंने आपको बना के दिखा दिया है किस तरह से हमारे पास ये बन रहा है। अब हमें इसको ड्राई डिस्टिलेट करवाना है बच्चों, क्या करवाना है ड्राई डिस्टिलेशन, ठीक है। जब भी हम इसको ड्राई डिस्टिलेशन करवाते हैं तो हमारे पास में यहाँ से ये वाला बॉन्ड और यहाँ से ये वाला बॉन्ड जो है वो क्लीव हो जाएगा, और ऑलवेज याद रखिए बच्चों इस रिएक्शन में ऑलवेज आपका कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा, सी ए सी ओ थ्री, कैल्शियम सी ए सी ओ ओ ओ, यानी कैल्शियम कार्बोनेट आपका यहाँ से रिलीज हो जाएगा। आपके पास क्या बचा, देखिए जब भी आप इसे ब्रेक करेंगे तो आपका देखिए फटाफट से एच सी डबल बॉन्ड ओ एच आपका यहाँ पे साइड में रह गया है, तो यानी क्या बन जाएगा आपके पास में फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। अब फटाफट से दो एग्जाम्पल और देख लीजिए, अगर आपके पास में कैल्शियम सॉल्ट ये वाला हो सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसे हम करवाएं ड्राई डिस्टिलेशन, ठीक है। तो अगेन यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, क्या रिलीज हो गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट सी ए सी ओ थ्री। जब कैल्शियम कार्बोनेट निकल गया तो हमारे पास क्या बचा, सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच, यानी कि अगेन हमारे पास क्या बन गया है एल्डिहाइड बन गया है। अब बच्चों इसी रिएक्शन से अगर हमें कीटोन का फॉर्मेशन करना हो तो हम क्या करेंगे, तो सिंपली हम यहाँ पे H के प्लेस पर हाइड्रोजन के प्लेस पे क्या लिख देंगे सी एस थ्री, ओके। तो हमारे पास वहाँ पे क्या बन जाएगा सी एस थ्री बन जाएगा, यानी कीटोन बन जाएगा। तो ये वो रिएक्शन हो गई है जहाँ से हम एल्डिहाइड एज वेल कीटोन दोनों का फॉर्मेशन कर सकते हैं, इसे क्या कहेंगे फॉर्मेल्डिहाइड, सिंपल, ठीक है। तो वी कैन ऑब्टेन एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन बोथ बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे आप जो भी ले रहे हैं जब भी इसको ड्राई डिस्टिलेट करवाएंगे तो ऑलवेज आपका कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ से क्या हो जाएगा रिलीज हो जाएगा। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट कंटिन्यू रिएक्शन करेंगे आगे की ओर, डन। चलिए देखिए आगे, नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारे पास यहाँ पर आने वाली है बच्चों वो देखिए कौन सी होगी, अब वो होगी आपकी फिफ्थ रिएक्शन, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन्स। एल्काइन्स हम जानते हैं कि वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच आपका ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, यानी कि सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ये आपके पास एल्काइन है। हमें एल्काइन्स पे क्या प्रोसीजर करना है बच्चों, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब हो गया हमें इस पे वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है H2O, ठीक है, जो आपका होता है डाइल्यूट
H2SO4 प्लस मर्क्यूरिक सल्फेट की प्रेजेंस में। ये दोनों यहाँ पे आपके बिहेव करते हैं एज ए कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट का वर्क रिएक्शन में आपको पता ही है किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने का रहता है, ठीक है। साथ में हम टेम्परेचर लेंगे 333 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। चलिए अब हमें मेनली यहाँ पे जो वर्क करना है इस रिएक्शन में वो क्या करना है, एल्काइंस पे आपको वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है। तो वाटर को हम डिसोशिएट करेंगे तो टूटेगा आपका एच पॉजिटिव एंड ओएच नेगेटिव में। इस एल्काइन की बात करें तो ये एल्काइन आपका सिमेट्रिक है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किसी भी साइड हो सकता है, ठीक है। चार्ज क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव और क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो एच का एडिशन किस पे होगा, सी एच पर। क्या बन जाएगा बच्चों, सी एच टू, डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड आपका क्लीव हो चुका है तो रेस्ट आपके पास दो बॉन्ड बचे हैं। यहाँ पे सी एच नेगेटिव है, और सॉरी बेटा इस पे सी एच पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इस पे कौन ऐड होगा, ओ एच ऐड होगा। कौन होगा, ओ एच, ठीक है। डबल बॉन्ड यहाँ रहेगा आपके पास, इस सी एच पे नेगेटिव है तो कौन ऐड होगा आपका, एच, तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका, सी एच टू। अगर आपके पास जो इंटरमीडिएट यहाँ पे बना है उसे ध्यान से देखेंगे तो ये क्या बना आपका, डबल बॉन्ड मतलब इन और ओ एच मतलब ऑल, तो बना इन प्लस ऑल, यानी क्या बन गया, इनॉल बन गया है, जो कि आपका अनस्टेबल है। क्या है, अनस्टेबल। तो इनॉल फॉर्म आपकी बन गई यहाँ पे, तो इसे आप फटाफट से चेंज किस में करेंगे, कीटो फॉर्म में थ्रू टोटो आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो एक प्रोसेस यहाँ पे लग जाएगा आपके पास, टोटो आइसोमेरिज्म का प्रोसेस लग जाएगा। ये प्रोसेस आप 11th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। टोटो आइसोमेरिज्म आपका एक स्पेशल टाइप का रेजोनेंस होता है जिसमें हम हाइड्रोजन को माइग्रेट करवाते हैं। देखिए किस तरह से, यहाँ से हम हाइड्रोजन को मूव करवाएंगे। मूव करवाने के लिए पहले आपको OH बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, जिससे O पे चार्ज क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव। तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आने पे O अपने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर देगा टुवर्ड्स दिस बॉन्ड, जिससे ये इलेक्ट्रॉन्स आपके इस तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव। क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव। तो H प्लस आयन जो है वो आपका यहाँ पे मूव कर जाएगा, और इलेक्ट्रॉन के मूव करने से यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो आपके पास क्या आ गया बच्चों, सी एच डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री, यानी यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो आपका इस सी एच टू पे मूव कर गया, तो यहाँ सी एच थ्री बना, यहाँ सिंगल बॉन्ड रह गया, और इन दोनों के बीच क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया आपका, ठीक है। या यूँ समझ लीजिए कि जैसे वो इलेक्ट्रॉन वहाँ मूव करता है नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, तो इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया आपका, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच, यानी बन गया आपका एल्डिहाइड। क्या बन गया आपके पास, एल्डिहाइड। इसे हम कहेंगे इथेनल। क्या कहेंगे, इथेनल। नॉमनक्लेचर मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस जिसमें हम पहले क्या कर रहे हैं, हाइड्रेशन करवा रहे हैं एल्काइंस पे, तो हमारे पास क्या बन रहा है, इनॉल फॉर्म। इनॉल फॉर्म आपकी अनस्टेबल है, तो उसे स्टेबल प्रोडक्ट में हमने चेंज कर दिया थ्रू टोटो आइसोमेरिज्म, जिसमें आपका हाइड्रोजन जो है वो मूव करता है डबल बॉन्ड की तरफ, ठीक है, डबल बॉन्डेड कार्बन की तरफ मूव करता है, यानी हाइड्रोजन को हमें माइग्रेट करवाना होता है इस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कीटो फॉर्म बन जाएगा, जिसमें हमारे पास में एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि इसी सेम रिएक्शन से हम कीटोन का फॉर्मेशन करें, तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एक मिथाइल ग्रुप लेना पड़ेगा जो एल्काइन में हो, ठीक है। सी एस थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, यानी कि प्रोपाइन। क्या लिया अपन ने, प्रोपाइन ले लिया। यहाँ पे अगेन सेम प्रोसीजर है आपका, एच टू ऐड करना है आपको, सेम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये ब्रेक होगा एच प्लस एंड ओ एच में। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस बार किस साइड होगा, इस बार एस साइड होगा, बिकॉज जब इस साइड करेंगे तो चार्ज नेगेटिव होगा, पार्शियल पॉजिटिव होगा। पार्शियल पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिसको स्टेबल कर देगा सी एस थ्री ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, बिकॉज सी एस थ्री बिहेव करता है आपका एज ए प्लस आई, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह। इसीलिए इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस बार इस साइड ही होना है, उसमें वो सिमेट्रिक था, इस वजह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किसी भी तरफ हो सकता था, बट यहाँ पे मूवमेंट इसी साइड रहेगा आपका, ठीक है। तो ये हो गया एच प्लस एंड ओ एच में। अब एच प्लस आयन किस पे जाएगा आपका, नेगेटिव पे, और ओ एच किस पे जाएगा, सी पर। तो आपके पास क्या बन रहा है, सी एस थ्री सी ओ एच डबल बॉन्ड सी एच टू, अगेन डबल बॉन्ड प्लस ओ एच, यानी क्या बन गया आपके पास, इनॉल फॉर्म बन गया। क्या बन गया, इनॉल। अब इनॉल बन गया है तो आप क्या करवाएंगे, टोटो आइसोमेरिज्म। क्या करवाएंगे, टोटो आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे क्या होगा, एच जो आपका है, देखिए सिंपल सा क्या करना होता है, आपको शॉर्ट ट्रिक दूँ, सिंपल ये करना है कि एच को तो आप मूव करवा देंगे उस कार्बन पे जो आपका डबल बॉन्डेड है,
जिस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, मोर, और डबल बॉन्ड जो है वो मूव कर जाता है अपने से पीछे की तरफ यानी CO बॉन्ड पर, ठीक है, इतना करना है। तो क्या बना आपके पास, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यानी क्या बन गया, कीटोन। कीटोन मतलब यहाँ बन गया आपके पास एसीटोन बन गया है, ठीक है बच्चों। तो दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ रिएक्शन, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस इन विच एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन बोथ कैन फॉर्म, ठीक है। फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम इसकी सिक्स्थ रिएक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, हो गया। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखिए फटाफट से, जो कि हमारी लास्ट रिएक्शन है जिससे हम एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। देखिएगा, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, बाय रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स। आपको यहाँ क्या करना है, आपको एल्कीन का पहले ओजोनोलाइसिस करवाना है और साथ में उसका रिडक्शन भी करना है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स। लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं आप एल्कीन नॉर्मल, जो आपकी सिमेट्रिक एल्कीन है जिसे हम बोल रहे हैं इथीन, इसका हमें सबसे पहले क्या करवाना है, ओजोनोलाइसिस, मतलब एडिशन ऑफ ओजोन। और मैंने आपको एक ट्रिक दे रखी है सिंपल सी, कि जब भी आप इसके रिएक्शन ओजोन से करवाते हैं तो आपके पास क्या बनता है, ओजोनॉइड। क्या बनता है, ओजोनॉइड। ओजोनॉइड का मतलब क्या होता है, ओजोनॉइड का मतलब होता है होम ऑफ ओजोन, ओजोन का घर। और ओजोन का घर कैसे होता है, इस तरह से, जानते हो ना घर कैसे होते हैं, व्हाट इज द शेप ऑफ होम्स लाइक दैट, इस तरह की, ठीक है, इस तरह की शेप हमारे पास होती है। तो हमें पहले, मैं आपको बता चुका हूँ शॉर्ट ट्रिक, कि एल्कीन्स में जहाँ पे डबल बॉन्ड जिन दो कार्बन एटम्स के बीच हो, यानी ये टू कार्बन एटम्स हैं जहाँ पे आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कितना भी बड़ा कंपाउंड आपके पास में गिवन हो, हमें बस यही देखना है कि डबल बॉन्ड किन दो कार्बन एटम्स के बीच है। जिन दो कार्बन एटम के बीच आपका डबल बॉन्ड है, उस डबल बॉन्ड को वहाँ से रिलीज कर दीजिए, CH2 CH2, और O3 को हमें उस शेप में ऐड करना है जिससे आपका ओजोन का होम बन जाए, यानी कि लाइक दैट, O2 एंड O3, इस तरह से हमें ओजोनॉइड का फॉर्मेशन करना होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं फटाफट से। सपोज कीजिए हमारे पास में ये एल्कीन है, C डबल बॉन्ड CH3 CH3। अब हमें इसका ओजोनोलाइसिस करना है O3 से। सिंपल ट्रिक, जिन दो कार्बन एटम के बीच डबल बॉन्ड है उसे वहां से हटा दीजिए, ये लीजिए, कर दिया। जिन दो कार्बन एटम्स के बीच डबल बॉन्ड है उसको रिलीज किया, अब उन्हीं दो कार्बन एटम से हमें O3 को ऐड कर देना है जिससे ओजोन का क्या बन जाए, होम बन जाए, सिंपल, ठीक है, ये हमें करना होता है, ठीक है। अब इसके बाद हमें करवाना पड़ेगा क्या बच्चों, ओजोनोलाइसिस करने के बाद हमें इसका रिडक्शन करवाना है, तो हमें लेना पड़ेगा जिंक मेटल जो इसका रिडक्शन करेगा। अब जिंक मेटल की प्रेजेंस में हम क्या करेंगे, इसे यहाँ से ब्रेक करेंगे और इसे यहाँ से ब्रेक कर देंगे, यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा आपका, ऑक्सीजन, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन उसे हम क्या कहेंगे, रिडक्शन, क्या कहेंगे, रिडक्शन। तो जिंक जो है वो यहाँ से ऑक्सीजन एटम को रिलीज कर लेगा और क्या रिलीज हो जाएगा आपका, जिंक ऑक्साइड, यानी कि ZnO। जैसे ही ZnO निकल जाएगा हमारे पास क्या बचा, CH2O एंड CH2O, यानी कि 2 मोल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड CH2O बच जाएगा हमारे पास, 2 मोल, ठीक है। यानी इस रिएक्शन से हमारे पास क्या बन रहा है, एल्डिहाइड। लेकिन इस रिएक्शन में हमने एल्कीन कैसे ली है, मोर सब्स्टिट्यूटेड ली है, यानी कि हमें कीटोन बनाने की ट्राई यहाँ पे करने वाले हैं। ये हुआ, अगेन क्या यूज़ करेंगे, जिंक रिडक्शन के लिए। तो जिंक जो है वो इसका रिडक्शन करेगा, इस तरह से ब्रेक होगा, यहाँ पे इस तरह से ब्रेक होगा, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो यानी ZnO बाहर निकल जाएगा आपका, और ZnO निकल रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, इसका मतलब ये रिडक्शन प्रोसेस है। यहाँ क्या बचा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इस साइड भी CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यानी हमारे पास 2 मोल क्या बन जाएगा, एसीटोन बन जाएगा, यानी कि कीटोन बन रहा है। तो दिस इज ऑल्सो ए प्रोसेस बाय विच वी कैन गेट एल्डिहाइड एज वेल एज एसीटोन, सिंपल, ठीक है। इस पे देखो आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाउ विल यू गेट
वन मोल ऑफ इथेनल एंड वन मोल ऑफ एसीटोन बाय ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस एक प्रोसेस आपके पास में यहाँ पर है, इसकी हेल्प से आप एसीटोन और वन मोल इथेनल कैसे ऑब्टेन करेंगे। देखिए बहुत सिंपल तरीके से आप आंसर दे सकते हैं इसका, देखिएगा किस तरह से। क्या है आपके पास में, वन मोल इथेनल, इथेनल का मतलब हो गया CH3C OH। मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक दे रहा हूँ जिसकी हेल्प से आप डायरेक्टली ये ऑब्टेन कर सकते हैं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि बाय सूटेबल एल्किन, आप ऐसी कौन सी एल्किन चूज करेंगे जिसका ओजोनोलाइसिस करने पर आपके पास इथेनल बने और एसीटोन बने। तो जो बन रहा है उसको लिखिए पहले, इथेनल मतलब ये हो गया और एसीटोन मतलब आपका ये हो गया है, ठीक है। आपको ये दोनों प्रोडक्ट्स बनाने हैं बाय ए सूटेबल एल्कीन, आप ऐसे कौन सी एल्कीन चूज करेंगे जिनसे आपके पास ये दोनों प्रोडक्ट बन जाए थ्रू ओजोनोलाइसिस प्रोसेस, ये हमें देखना है। तो क्या करेंगे बच्चों, तो एक ऐसे एल्कीन देखना है अपन को। तो देखिए किस तरह से देखेंगे, जो भी आपके पास प्रोडक्ट बन रहा है उसको लिख लिया आपने, यहाँ से ऑक्सीजन हटाइए, यहाँ से ऑक्सीजन हटा दीजिए और इन दोनों कार्बन पे जिन पे डबल बॉन्ड है उनको डबल बॉन्ड से लिंक कर दीजिए। देखिए क्या बना, CH3CH यहाँ पर है डबल बॉन्ड, ये सी लीजिए और बना दीजिए CH3N CH3। मतलब ये वो सूटेबल एल्कीन होगी। सिंपल क्या करना है, जो भी आपके पास प्रोडक्ट है उनका ऑक्सीजन रिमूव कीजिए और उन दोनों कार्बन एटम्स को ऐड कर दीजिए थ्रू डबल बॉन्ड, तो वो आपके पास सूटेबल एल्कीन हो जाएगी। अब चेक भी कर लेते हैं, हम अपना क्रॉस चेक कर लेते हैं, आंसर क्या इस एल्कीन से हमें ये मिल जाएगा, चेक करते हैं। सबसे पहले O3 से रिएक्शन, सिंपल तरीका मैंने आपको बताया था क्या, कि जिन दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो वो हटा दीजिए, CH3CH CH3CH3 और यहाँ पे ऐड कर दीजिए क्या, ओजोन O3, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे, जिंक से, ये यहाँ से ब्रेक होगा, ये यहाँ से ब्रेक होगा, क्या निकल जाएगा, ZnO। अब देख लीजिए एक मोल तो बन रहा है ये और एक मोल बन रहा है ये। तो बहुत सिंपल तरीका है कि अगर आपसे रिवर्स वे में क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर निकाले कैसे, दोनों मोल लिख लें, जो भी प्रोडक्ट आपको बनाना है वो लिखें यहाँ पर और प्रोडक्ट को राइट डाउन करने के बाद क्या करेंगे, दोनों ऑक्सीजन एटम्स को यहाँ से हटाएंगे और दोनों कार्बन को डबल बॉन्ड से लिंक कर देंगे, वही एल्कीन वो होगी जिसकी ओजोनोलाइसिस करने पे आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी ऑल रिएक्शंस बाय विच वी कैन गेट एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन। हाँ, एक और प्रोसीजर आपका हो सकता है मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन वो मैंने आपको ऑलरेडी, एक चैप्टर है आपका हैलोएल्किन हैलोवेरिंस, उसमें ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो आप जा करके मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देख सकते हैं। मैं आपको उस रिएक्शन का नाम बता देता हूँ, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ जैम डाइहैलाइड। अब जैम डाइहैलाइड आपको पता हुआ क्या होता है, वो डाइहैलाइड्स जो आपके एक ही कार्बन पर अटैच होते हैं लाइक दैट CH3CH CL एंड CL। इसका हमें हाइड्रोलाइसिस करवाना है 2 मोल ऑफ KOH से, तो 2K पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव में टूटेगा, यहाँ से ClCl नेगेटिव रिलीज होगा आपका, तो 2Cl 2K के साथ क्या निकल जाएगा, 2KCl, दोनों OH यहाँ पे आ गए आपके पास में, CH3CH OH एंड OH। अब आपको याद होगा प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि वन कार्बन पे 2 और 3 और मोर OH ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो वो अनस्टेबल है, क्या है, अनस्टेबल। तो ये फटाफट से क्या करेगा, H2 मॉलिक्यूल रिलीज कर देगा, जब इसको हम हीट करेंगे तो H2 निकल जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, CH3CHO ग्रुप यानी एल्डिहाइड। अब दूसरा, अगर हमें इसी से कीटोन बनाना हो तो हम क्या करेंगे, हम जैम डाइहैलाइड का जो एग्जाम्पल लेंगे वो लेंगे ये वाला, ठीक है, जिसमें दोनों साइड क्या हो, मिथाइल ग्रुप और कार्बन पे दोनों साइड क्या हो आपके, ClCl, एक ही कार्बन पर। तो फटाफट से आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, 2KOH लेना पहले, 2KCl निकल जाएगा, OH एंड OH आ जाएगा, उसके बाद इसको जो भी बने उसको हीट कर दीजिएगा तो आपके पास कीटोन आ जाएगा। तो ये आप सेल्फ कर लीजिएगा,
ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं, मैंने ऑलरेडी दोनों रिएक्शन जो है वो आपको कंप्लीट करवा दी थी हैलो एल्केन्स एंड हैलो ऑरेंज चैप्टर के अंदर, जहां हमने डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स को पढ़ा था, और डाई हैलोजन डेरिवेटिव में हमने हाइड्रोलाइसिस किया था जैम डाई हैलाइड्स का, जिससे हमें एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन दोनों का फॉर्मेशन हमें मिल जाता है। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया उन रिएक्शंस को जिनसे हमें एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन दोनों का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम उन रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे जिनसे ओनली एल्डिहाइड और ओनली कीटोन का फॉर्मेशन हमें मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।